हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट 5 है ना, जो कि क्वेश्चन अपन करेंगे किस बेस पे, यूनिट डिजिट के बेसिस पे। ठीक है ना, तो आज हम सीखने वाले हैं कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन उससे पहले अपने को एक चीज जानना होगा, वो है साइक्लिसिटी। ठीक है, जो साइक्लिसिटी है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, किस लिए, टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट, है ना। तो एक एक करके हम जानते हैं। देखिए, अच्छा साइकिल का मतलब देखिए, जैसे क्या है, एक पहिया है साइकिल का, मान लीजिए जैसे एक गोल सर्कल, जैसे मान लीजिए पहिया है, ठीक है ना, क्लियर। अब मान लीजिए ये वो पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये रोड है, वे यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक ना, जब ये चलना स्टार्ट करेगा वापस घूम फिर के वापस कहाँ आ जाए, यहीं पे, इसको हम क्या बोलते हैं, वन साइकिल। ठीक है ना, तो नंबर यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं डिजिट्स में, इसमें क्या होगा कि जो डिजिट्स हैं उनकी हम पावर क्या है, उसका हम एक्सपोनेंट्स निकालेंगे, और जिस पावर के बाद उसकी वैल्यू, मतलब जो उसकी यूनिट डिजिट होगी, अगर जहां से वो रिपीट करना शुरुआत होगी, स्टार्ट करेगी, है ना, उसी को हम बोलेंगे साइक्लिसिटी, है ना। इसको हम समझते हैं, तो देखिए कह देते हैं जीरो का, किसका, जीरो का। तो अगर मैं जीरो की पावर वन करूं तब भी जीरो आएगा, जीरो की पावर दो करेंगे तब भी जीरो ही आएगा, है कि नहीं। तो देखा जाए तो इसका एक स्टेप के बाद ही क्या है, एक स्टेप के बाद ही इसकी जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है ना, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होने लगा, तो इसकी जो साइक्लिसिटी होगी वो कितना हो जाएगा, एक, है ना। अच्छा, अब हम आते हैं दो, मतलब अगला नंबर आपका है डिजिट वन। अब एक का मैं स्क्वायर करता हूं तो एक की पावर एक कितना हो जाएगा, एक। वन की पावर टू करेंगे तब भी एक आएगा, वन की पावर तीन करेंगे तब भी एक आएगा। यानी आप देख रहे हैं पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, यहाँ भी दूसरे स्टेप में ही वैल्यू रिपीट हो रही है ना। तो इसकी भी जो साइक्लिसिटी होगी वो कितना हो जाएगी, एक हो जाएगी, है ना। आगे हम आते हैं दो पे, इस पे दो का, अगर मैं दो की पावर एक करूं तो दो आएगा, टू की पावर टू करूं तो फोर आएगा, टू की पावर थ्री करूं तो आएगा एट। अगर मैं टू की पावर फोर किया तो कितना आएगा, सिक्सटीन, कितना आएगा, सिक्सटीन। अब देखो जो सिक्सटीन है इसमें है दो डिजिट, यूनिट टेंस, हमें टेंस को नहीं लेना है, हमें लेना है यूनिट डिजिट। यहां पे कितना है, छह है ना। अब आप सिक्स का इंटू फिर से किससे करेंगे, दो से, क्योंकि आप दो की पावर और बढ़ा रहे हैं ना भाई। अब यहाँ पावर चार थी, जब पावर पांच होगा तो पावर पांच, मतलब उसमें दो का इंटू और करेंगे भाई, ये सोलह है ना, आप इसका इंटू किससे, दो से करेंगे ना, तो कितना, टू सिक्स जा ट्वेल्व आया, ट्वेल्व में मुझे इस, तो हमें क्या है, हमें एक को यहाँ पे नहीं लेना, हमें सिर्फ चाहिए क्या, हमें आवश्यकता है यूनिट डिजिट की। हमने यहाँ पे छह लिया, इंटू किया दो से, तो कितना आ जाएगा, बारह, कितना आएगा, ट्वेल्व। देखो यहाँ का जो इकाई का अंक है, यहाँ जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, दो है, कितनी है, दो। तो आपने देखा दो से शुरुआत हुआ था, आपस अपन दो पे फिर से आ गए, पर हम आए कितने स्टेप के बाद, वन टू थ्री फोर, आफ्टर फोर स्टेप। तो इसकी जो साइक्लिसिटी वो कितना हो जाएगी, फोर। इसका कितना हो जाएगा, इसकी सारी फोर हो जाएगी, एक के लिए तो इसका वन है, जीरो का भी वन रहेगा, है ना, जीरो का भी एक है, इसका वन का वन रहेगा, दो कितना, चार आ गया, दो के चार। अब अगला हम देखेंगे तीन का, इसका थ्री। तो थ्री की पावर एक करेंगे तो आएगा थ्री, थ्री की पावर टू किया तो नाइन, थ्री की पावर थ्री किया तो 27। अब देखो ये सात है ना, अब ये सात, अब मैं सात का इंटू किससे करूंगा, फिर से करूंगा तीन से ना। देखो तीन की पावर चार का मतलब क्या,
तो जो 27 है उसमें 3 का और इंटू करूंगा कितना 3 7 21, कितना 21, मतलब 3 की पावर 4 81 आएगा, कितना आएगा 81। अब देखो ये जो 1 है, अब 3 की पावर 5 किया, 3 की पावर 5 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 8 24, 243। अब देखिए 3 से शुरुआत हुई थी, वापस ये आया ना यूनिट डिजिट, 4 स्टेप के बाद 1 2 3 4, भाई आफ्टर 4 स्टेप, 4 स्टेप के बाद फिर से जो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3 आ गया। दैट मींस कि जो 3 का जो साइकिल को कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब आते हैं 4 वाले पे, तो 4 का देखते हैं, 4 की पावर 1 किया 4, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16, 2 का 3 करेंगे तो देखो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, नहीं देखो कितना आएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64। देखो यहाँ इकाई का कितना है 4 है, फिर 6 है, फिर 4 आ गया, मतलब दो स्टेप के बाद फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो जो 4 की जो होगी साइक्लिसिटी वो कितना हो जाएगी 2, कितना हो जाएगा 2। अब आगे बढ़ते हैं 5 पे, आगे आते हैं 5, तो 5 आप 5 की पावर 1 कीजिए 5, 5 की पावर 2 करें कितना आएगा 25, तो यहाँ 5 फिर 5 आया, भाई जो यूनिट डिजिट कितना 5 आया ना, तो यहाँ भी एक स्टेप के बाद ही नंबर रिपीट होने लगा यहाँ पे डिजिट्स, तो इसकी जो भी साइक्लिसिटी कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगी 1। 6 पे आते हैं, 6 की पावर अगर मैं 1 करूं तो कितना आएगा 6, स्क्वायर करेंगे तो 36, यहाँ भी रिपीट हुआ, तो इसकी जो है साइक्लिसिटी कितना हो जाएगी यहाँ पे भी 1 हो जाएगी। आगे किस पे आते हैं 7 पे, 7 की पावर 1 कितना आएगा 7, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49, फिर पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो भाई कितना 7 का इंटू कीजिए 49 से, कितना 7 9 63, कैरी 6 आएगा, 7 4 28 + 6 34, 343 आएगा। और फिर से अब इसमें 7 का इंटू करेंगे तो कितना 7 3 20 1, 7 3 21, कैरी 2 28 और 2 30, 30 कैरी 3 आएगा, 7 3 21 21 + 3 24, ये आ गया। अच्छा इसकी ये पावर 4 है ना, अगर पावर हमने 5 किया तो इसमें एक साथ का और इंटू कर लीजिए तो कितना 7 1 7 7 0 0 7 4 28, कैरी 2 7 2 14 2 16। अब देखिए यहाँ यूनिट डिजिट कितना था, 7 से शुरुआत हुई थी, यहाँ 9, ये 3 1 फिर 7 आ गया, यानी कि 4 स्टेप के बाद यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो 7 का जो कि साइक्लिसिटी कितना हो जाएगा 4। अगला है नंबर 8 का, तो 8 की पावर 1 किया आया कितना 8, 8 की पावर 2 किया कितना आएगा 64, पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा, और 8 पावर 4 करेंगे तो कितना आता है, इसमें 8 का इंटू कीजिए 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 + 1 9, है ना, फिर 8 5 जा 40, 8 पावर 5 कीजिए कितना आता है, देखो क्योंकि अभी तक रिपीट नहीं हुआ ना भाई, यहाँ 8 था, फिर 4 है, 2 है, 6 है, अब फिर से करते हैं 8 का इंटू 8 6 जा 48, कैरी 4 आ जाएगा, 8 9 जा 72, और 72 और प्लस 4 72 प्लस कितना 76, कैरी 7 आ जाएगा, फिर 8 0 8 सॉरी 8 0 0, और प्लस जो 7 है जो कैरी है वो यहाँ आ जाएगा, और 8 4 जा 32। आप देख रहे हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 से शुरुआत हुई थी, 8 वापस फिर से आ गया, कितना स्टेप के बाद 1 2 3 4, तो 4 इसका हो जाएगा साइक्लिसिटी। और रह गया 9, कितना रह गया 9, तो 9 का भी आप यहाँ देख लीजिए, 9 की पावर कितना 1,
आएगा 9, 9 की पावर 2 किया कितना आएगा 81, फिर 9 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 9 1 जा 9 9 8 72, 9 1 9, तो इसका हो जाएगा 2 साइक्लिसिटी। तो कुल मिलाकर मैं लिखता हूँ सबका लाइन से पूरा एक साथ कर देता हूँ, देखिए साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी किसके 0 का कितना है 1 है, 1 का भी 1 है, ठीक है ना, 1 का भी 1 है। देखो इसको ना ऐसे कर लेते हैं, 0 का 1 है, 1 का भी 1 है, 5 का 1 है, 6 का 1 है, तो 0 1 0 1 5 6, इन सब का कितना है 1 1 है, इससे क्या है ना याद करने में थोड़ा आसानी हो गई, ठीक है। अच्छा अब आते हैं दो वाले पे, देखो दो में कितने हैं, दो में एक तो 4 है और एक तो 9 है, तो 4 के इसमें 2 है और 9 का भी 2 हो जाएगा साइक्लिसिटी। अब कितना रह गया यहाँ पे, देखो ये 2 का कितना 4, 2 का 4 है, 3 के भी 4 है, 7 7 7 का 4, 8 का भी 4 है, तो 3 2 3 7 8, इसकी कितनी है 4, इसकी भी 4 है, ठीक ना, 4 और 4। देखो अब ध्यान देखोगे 0 1 5 6, 0 के बाद 1 आता है, 5 के बाद 6 आता है ना, इनका 1 1 है, अब क्या है 4 और 9, 4 और 9 का 2 होगा साइक्लिसिटी, ठीक है, और 2 के बाद 3, 7 के बाद 8, ये भी दोनों क्या है, दोनों कंटिन्यू है, और इनकी जो साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है इनकी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा मैं इतना था इसका हम क्या कर, देखो ये साइक्लिसिटी है, इसकी मदद से अब हम फाइंड करेंगे यूनिट डिजिट, ये कहाँ पे काम आएगा, ये आपका आता है इंडिशियल वैल्यू पे, जिसे मतलब जिसमें पावर हो, इसमें क्या हो पावर। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे इसमें तो पावर नहीं है ना, यहाँ पे पावर है, बट यहाँ देखिए ये 187 पावर 17 है, यहाँ पावर 81 है, देखो जाहिर सी बात है हम इतनी बड़ी नंबर का इतना तो हम पावर इंटू कर नहीं सकते, तो उसका जो शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, उसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये होगी कि जो पावर है ना यहाँ पे ना, इसका हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है उसकी साइक्लिसिटी से, कैसे करेंगे एक एक करके देख लेते हैं इन सभी को। ओके तो सॉल्व करते हैं, यूनिट डिजिट निकालने का जो तरीका है क्या, जैसे कि ये है प्रोडक्ट के फॉर्म में, जो क्वेश्चन क्या है प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें बताना है कि इन सभी का इंटू करने पे जो यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। इसके लिए बहुत ही एकदम शॉर्ट ट्रिक, आपको शॉर्ट ट्रिक ये है कि जितने भी यहाँ पे नंबर हैं उन सभी का आपको लेना क्या होगा इकाई का अंक, जैसे यहाँ पे 6 है, ये 8 है, ये 2 है, आप इन्हीं को लेके इनका इंटू कर लेंगे पहला वाला, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कितना है 756 है, यहाँ पे 938 है और ये 872 है। फॉर यूनिट डिजिट्स, यूनिट डिजिट के लिए हमें करना क्या होगा, जो नंबर है इन सभी नंबर के जो इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट है आपको वो लेना है और उनका आपस में इंटू करना है। जैसे यहाँ पे कितना है ये 6, इंटू कितना 8, इंटू कितना 2, इंटू करें कितना, सबका इंटू कर लीजिए कितना आएगा 2 16 और 16 96, तो जो यूनिट डिजिट हुआ यहाँ से वो कितना है अपने यहाँ पे 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। अब जैसे जो देखो जैसे दूसरा वाला है, अब जैसे हम क्या करेंगे यहाँ 938 में 8 है ना यूनिट प्लेस पे, 8 ले लिए, देखो 8 × 2 × 5 × 4, सबका इंटू करते हैं कितना। एक और चीज ध्यान दीजिए, अगर किसी नंबर में अगर यूनिट डिजिट अगर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है 0, तो
चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, द यूनिट डिजिट विल बी जीरो, तो उसका जीरो ही होगा यूनिट डिजिट। जैसे कि आप यहाँ देखिए, जैसे इसमें ये चार है ये पांच है, मैं दोनों का इंटू किया कितना आएगा 20, कितना आ जाएगा 20। अब देखो 20 में जो यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पे जीरो है, भाई यूनिट प्लेस पे तो जीरो है, तो टेंस प्लेस पे है, अब जीरो का इंटू करेंगे इससे तो जीरो आएगा, ये भी जीरो, तो आंसर कितना इसका जाएगा जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब आते हैं थर्ड वाले पे। अब यहां से जो है ना अपने को इसका जरूरत पड़ेगी यहां पे, ठीक है। कैसे, ये देखिए, वी हैव 187 टू द पावर कितना है 17। बताइए जो 187 है इसमें जो यूनिट डिजिट कितना है, सात है, क्या है सात। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सात की जो साइक्लिसिटी है वो आपको देखना, कितना यहाँ पे है चार है, कितना है चार। तो दिए गए पावर को, दिए गए पावर को इसकी जो साइक्लिसिटी है उससे आप डिवाइड करोगे, ठीक है ना, और जो रिमाइंडर बचेगा तो कितना, इसके चार है, इसको चार से अपन ने क्या किया डिवाइड करेंगे, देखो 17 अपॉन कितना 4, तो इसमें कितना आएगा रिमाइंडर, कितना आएगा 4 4 जा 16, कितना 4 4 जा 16, जो रिमाइंडर यहां पे आया कितना आएगा एक, कितना आ जाएगा एक। अब जो रिमाइंडर आया, ठीक है ना, कितना यहाँ पे एक है ना, तो बस आपको यहाँ का जो यूनिट डिजिट कितना यहाँ पे सात है, और इसकी पावर क्या लिखोगे, जो रिमाइंडर आएगा वन है ना, आंसर इज 7। तो इस पूरे का जो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इसका सात हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपको चार भी करोगे फोर्थ वाला, देखो अब 1524 मतलब कितना है 1524 की पावर कितनी है 81। पावर काफी बड़ी है, लेकिन हमें पावर बड़ी हो छोटी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है भाई कि यहाँ पे जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट कितना है, इसका इकाई का अंक क्या है, और इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है। चार है, चार कितना है दो है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे जो पावर है वी है 1524 की पावर 81 है ना, तो रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर के लिए यहाँ जो पावर है पावर को आप डिवाइड करोगे किससे, यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी कितनी यहाँ पे दो है, तो जो रिमाइंडर होगा ना, जो रिमाइंडर होगा यहाँ पे कितना आएगा 2 4 जा 8 जीरो, कितना यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि देखो 42 जा 80 हो जाता है, बच गया एक, तो एक यहाँ जाएगा रिमाइंडर, दैट मीन्स कि चार की पावर हम यहाँ पे एक करेंगे तो आंसर आएगा चार। तो चार ही क्या इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा चार, तो यूनिट डिजिट कितना यहाँ पे आ गया चार, ठीक है ना। अब देखो जो पांच वाला क्वेश्चन है, पांच में भी आप ठीक ऐसे ही करोगे, पांच की पावर 81 है, लेकिन पांच की देखिए जो साइक्लिसिटी कितना होती है एक, है ना, तो आप पांच की पावर कितना भी कर लेंगे इकाई का अंक कितना पांच ही आने वाला है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 7 की पावर 21, और 7 की हम देखेंगे साइक्लिसिटी कितना चार हो रही है, तो चार का हम 21 से डिवाइड करेंगे ना, क्या डिवाइड, तो कितना आएगा 4 5 जा 20, कितना बचेगा 1, और 7 की पावर हम यहाँ कितना कर लेंगे 1 कर देंगे, 3 इंटू कितना हो जाएगा 9 की पावर 46 देखो है, और 9 का देखते हैं कितना साइक्लिसिटी कितना 2 है, तो आप 2 का इसमें डिवाइड करेंगे किसमें 46 में, इसमें 46 में डिवाइड किया 2 से, तो कितना आएगा रिमाइंडर 0, लो 0 आ गया, तो क्या करेंगे। अच्छा अब लग रहा होगा कि यह पावर यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया ना, तो यहाँ पे जो नंबर है हम उसकी पावर क्या कर लेंगे जीरो कर देंगे क्या, ऐसा क्या, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम, क्या होगा जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो हम क्या करेंगे
इसकी जो साइक्लिसिटी कितनी है, दो है ना। तो अब देखो जैसे ये नाइन है तो नाइन की पावर हम दो लेंगे उस केस में, क्या लेंगे, दो ले लेंगे, है ना। मतलब इसका जो साइक्लिसिटी है हम उसी को लेंगे, तो नाइन की पावर यहां पे कितना आ जाएगा, दो। क्यों दो आया, क्योंकि हमने डिवाइड किया तो इसका जो था रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो, है ना। अच्छा इनटू में कितना, अब यहां देखो वन है ना, वन की पावर कितना करेंगे, वन ही आएगा, सबका इनटू करते हैं कितना, फाइव इंटू सेवन 35 आ जाएगा, नाइन का स्क्वायर 81 और इंटू वन। तो देखो अब इन सब का देख लीजिए यूनिट डिजिट कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 है इंटू यहाँ पे 1 है, इधर भी 1, तो 5 बन जा 5 आ जाएगा यूनिट डिजिट, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब कौन सा अपना रह गया, 6 वाला, ये भी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, 1507 टू द पावर 40 इंटू 1524 पावर 68, ठीक है ना। क्या करेंगे, सेम मेथड, मेथड क्या, जो नंबर है नंबर का हम देखेंगे यूनिट डिजिट, यहाँ का 7 है और यहाँ पे 4 है, और फिर हम इन दोनों का क्या देखेंगे साइक्लिसिटी, 4 का सॉरी 7 का 4 है, 4 का 2 है, डिवाइड करते हैं पावर को, तो यहाँ 40 है भाई, 40 में अगर आप 40 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है कि नहीं, होगा ना। देखो कितना होगा, 40 आया 0 रिमाइंडर, 0 का मतलब कितना, 7 की पावर 4 यहाँ हम करेंगे, कितना करेंगे पावर 4, और यहाँ 4 का 2 हो जाएगा, तो अगर आप 2 का इसमें डिवाइड करते हो तब भी यहाँ पे कितना आएगा, रिमाइंडर 0, तो 4 की पावर यहाँ अपना 2 आ जाएगा। अब 7 की पावर 4 कितना आएगा, इंटू कर लीजिए 7 वन जा से, देखो पावर मतलब 7 का इंटू 4 वाय, तो 7 49, कितना 49। अब यहाँ 9 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 9 7 जा 63, ये 3 आया, 3 इंटू 7 21, कितना 21, तो 21 का जो साइक्लिसिटी है, अच्छा इसको इंटू कर लीजिए पूरे का, फिर देख लीजिए ये 49 इंटू इसका 49, तो 49 इंटू करें 9 जा 81, 9 पे जा 36 प्लस 8, 36 8 कितना हो जाएगा 36, ये कितना 44 आ जाएगा, 44 जा 36 हो जा 16 प्लस 3 19, 1 ये 0 आ जाएगा, 6 4 10 9 4 3 2400 1 और इनटू कितना 16। अब क्या करोगे आप इसका, यहाँ पे 1 यहाँ से 6, तो 1 इंटू 6 मतलब 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा यूनिट, तो क्या आ गया 6 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट। तो दोस्तों ये रहा यूनिट डिजिट निकालने का शॉर्ट ट्रिक, है ना। अब देखो जैसे मैंने यहाँ इतना सॉल्व किया हुआ है, इतना लंबा शॉर्ट, ठीक ना, लेकिन अब एकदम शॉर्ट में करना है तो कैसे करोगे, आपको ना ये सब उतना चीजें नहीं करनी है, ना। एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं इसमें, तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको बताना क्या यूनिट डिजिट यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है ना। इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा, क्या करेंगे आप। सीधी बात यह है, जो आपको जो कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया है उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चलेंगे। यहाँ का देखो इकाई का अंक यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे 2 है, इसमें 8, ये सब इसके यूनिट डिजिट्स हैं। 3 का कितना है, 3 का है 4 साइक्लिसिटी, 2 का कितना होगा, 2 का भी 4 है, 8 का भी 4 है, सबका 4 है, तो कम इसमें तो 4 का 4 में क्या करेंगे अपन, भाग करेंगे 16 में, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखो तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 किया, 2 की पावर कितना हम यहाँ करेंगे 4 करेंगे, और 8 की पावर भी कितना आ जाएगा
देखो ये 32 है तो 4 8 32 रिमाइंडर 0 आएगा, तो 8 की पावर भी यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। अब सबका इनटू करेंगे, 3 का 4 बार कितना आ जाएगा, 3 3 9 27 81। अब 81 में देखिए, जो 81 में इकाई का अंक वहां पे 1 है, क्योंकि तो पावर 4 कितना आ जाएगा, 2 2 4 8 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा। और ये कितना आएगा, 8 की पावर देखो 3 होता है 512, इसमें 8 9 2 का कितना, 8 2 16, यहाँ आ जाएगा 9 4096। अब 1 6 6 6 36, 36 मतलब कितना, 6 इसका हो जाएगा आंसर।